सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए बोट नेक का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ जो कि हम यहाँ पे मैचिंग करते हुए तैयार करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फ्रंट कटिंग किया हुआ है और ये हमारे पास दुपट्टा हो जाता है और ये हमारे पास बॉटम का कपड़ा हो जाता है। तो बॉटम को कपड़े को हम यूज करते हुए यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी नेक लाइन आज बना करके आपको दिखाएंगे। और एक हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको बटन बनाने। यहाँ पे दोस्तों सिक्कों के द्वारा हमने यहाँ पे इस तरीके से बटन तैयार किए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे बहुत प्यारी सी शेप होगी और ये सिंगल हमने 1 रुपए का सिक्का जो है उससे हमने तैयार किए हुए है। इसमें हमने गोटे का ये वाला काम किया हुआ है, तिल्ले का, ये तिल्ला बोलते हैं। तिल्ले की मदद से पहले सिलाई लगाते हैं और फिर इसको कपड़े से इस तरीके से कवर करते हैं, बहुत सुंदर सा यहाँ पे बटन तैयार करते हैं। ये भी हम सीखेंगे किस तरीके से तैयार किया जाता है। 2 बटन इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से तैयार किए हुए हैं और 1 बटन मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगा। और दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कटिंग करनी होगी नेक लाइन की। तो नेक लाइन की कटिंग करने के लिए हमने पेपर पेस्टिंग लेनी है। ये पेपर पेस्टिंग की जो चौड़ाई है दोस्तों तकरीबन हमारी यहाँ पे होगी 14 से 15 इंच की। हमें जो ब्रॉड लेंथ रखनी है वो रखनी है गले की 9 इंच और जो डीप लेंथ रखनी है वो रखनी है 4 इंच। इस निशान को इस निशान से इस प्रकार से बोट नेक की शेप देते हुए जोड़ लेते हैं ऐसे। अब हम बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे, तकरीबन ये लगाएंगे 1.25 से 1.5 इंच का। आप 1.25 इंच का भी लगा सकते हो, 1.5 इंच का भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ये हमने बाहर की साइड जो निशान लगाए हैं इन निशानों को भी हम एक दूसरे से ऐसे जोड़ लेते हैं। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। ये गला जो आएगा हमारा तैयार आएगा। अब हमें बाहर की साइड भी 1.5 से 1.25 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है और यहां पे भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो गला आएगा हमारा अंदर की साइड फोल्ड आएगा और ये वाला गला आएगा हमारी बाहर की साइड नजर आएगा। तो इसको तो हम जो ये वाला गला है ये पेस्ट करते हैं इस कपड़े के ऊपर और जो ये वाला गला है ये करते हैं हम अस्तर के ऊपर पेस्ट। तो इनको पेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों यहाँ पे दोनों गले हमने पेस्ट कर लिए हैं। ये हमने अस्तर के ऊपर पेस्ट किया है बड़े वाला गला, क्योंकि ये अंदर की साइड फोल्ड होता है और जो बाहर की साइड रहेगा वो हमने यहाँ पे बॉटम वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। तो आइए सीखते हैं इस डिजाइन को बनाने का आसान सा तरीका। दोस्तों स्टिचिंग में सबसे पहले हमें डिजाइन बनाना है जो हमने ये वाला गला बनाया है पेस्ट किया है इसके ऊपर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधी साइड में सेंटर पॉइंट का एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है कमीज का, इसमें से एक पट्टी कटिंग करनी है तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई वाली। इस तरीके से 1.5 इंच की पट्टी हम कटिंग कर लेते हैं और इस पट्टी को यहां पे रखेंगे इस तरीके से ऐसे। और यहां पे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी हमारी सेंटर में आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तरीके से उतार देते हैं। अब हम इसको पलटते हैं और पलटने के बाद ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं।
तरीके से हमने यहाँ पे ये पट्टी अपनी अटैच कर ली है। अब हमने दोनों साइड में निशान लगा लेना है, इसके इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ पे जो हम गैप रखेंगे वो रखेंगे 1 इंच का, तो इस साइड में भी 1 इंच का गैप रखेंगे और ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें सीधी सीधी पट्टी लगानी है, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करनी है पट्टी को और यहाँ पे ऐसे रखना है इस निशान के साथ साथ। एक्स्ट्रा पट्टी काट लेते हैं और फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो बीच में हमारा तकरीबन 1.25 इंच का गैप आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों साइड में सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी सेम यही तरीका अपनाएंगे। पहले पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इस निशान के साथ साथ ऐसे रखेंगे और यहाँ पे 1 पैर चौड़ाई से इस पट्टी को अटैच करेंगे। गैप का ध्यान रहे, गैप हमारा बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। अब हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 पट्टी हमने लगा ली है, बाकी के पूरे गले में हम सेम इसी तरीके से पट्टी दोनों साइड में कवर करते हैं। जो नीचे की साइड आएगी ऐसे आएगी और जो ऊपर की साइड हमारी सीधी साइड आएगी ये आपको इस तरीके से नजर आएगी। तो दोनों साइड कवर करने के बाद मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगा। सभी पट्टियां दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे ये गला तैयार करना है, तो गला तैयार करने के लिए सेम इसी साइज का एक पीस लेंगे, ये ले लेंगे हम अस्तर वाला और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। जो हमारी ये पेपर पेस्टिंग होती है इसके साथ साथ हमें सिलाई लगानी होती है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद 1 पैर का मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम पूरी गोलाई में हल्के हल्के कट लगाते हैं। अब इसको जो अस्तर होता है वो फोल्ड कर लेते हैं उल्टी साइड और यहाँ पे जो गला हमारा तैयार आएगा इसको हम प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे। दोस्तों प्रेस से सेट करने के बाद गले की शेप हमारी इस तरीके से आ जाती है। अब हमें बाहर की साइड जहाँ तक हमारी ये पेपर पेस्टिंग होती है उसके साथ साथ सिलाई लगानी है। उससे आप थोड़े बाहर ही लगा ले तो ज़्यादा ठीक रहता है। यहाँ पे 1/2 से 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा यहाँ पे गला ये
तैयार हो जाता है। अब हमें जो इसके साथ वाला जो गला है कमीज के फ्रंट में जो हमें तैयार करना है, अब हम इसको तैयार करेंगे। दोस्तों जो ये गला है हम जैसे नॉर्मल गले तैयार किए जाते हैं सेम उसी तरीके से इस गले को तैयार करते हैं। यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाते हुए सेंटर में रखेंगे और जो पेपर पेस्टिंग है इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देते हैं, सिर्फ क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ते हैं और फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेते हैं। तो नॉर्मल तरीके से हमें ये गला तैयार करना है। जैसे दोस्तों मैंने बताया था तो सेम उसी तरीके से हमने सिंपल गला यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे पैच लगाना है। जो हमने ये पैच तैयार किया हुआ है इसका भी सेंटर पॉइंट बना लेते हैं और इस पीस का भी सेंटर पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे, और दोनों का सेंटर पॉइंट यहाँ पे मैच करते हुए हमें इसको अटैच करना है बराबर गैप रखते हुए। तो यहाँ पे हम सेंटर से ही अटैच करेंगे ताकि कोई भी फर्क ना आए। एक साइड में हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे इसको अटैच कर लेते हैं। गैप बराबर रहना चाहिए, कहीं पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने गला तो यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नीचे का सेंटर का डिजाइन यहाँ पे बनाना है, जो कि मैंने बटन दिखाए थे आपको यहाँ पे इस तरीके से ये बटन कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इनको लगाया जाता है। और साथ ही हमने यहाँ पे डेढ़ बाई डेढ़ की इसी कपड़े की यहाँ पे दो डब्बी बनाई हुई है। सबसे पहले पेपर पेस्टिंग करते हैं, उसके बाद इनको इस तरीके से चारों साइड से फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि पहले हम यहाँ पे बटन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे ये डब्बी अटैच करेंगे, फिर बटन लगाएंगे और फिर यहाँ पे डब्बी अटैच करेंगे और लास्ट में एक बटन यहाँ पे और लगाएंगे, जो कि मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बटन बनाना सीख लेते हैं। बटन बनाने के लिए दोस्तों हमने एक कपड़ा लेना है ऐसे, ये भी हमारी तकरीबन 2x2 की डब्बी होगी और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट बना लेते हैं इस तरीके से। जो भी सेंटर होगा इसको हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, हल्का सा निशान चौक ऐसे लगा लेंगे, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट बन जाता है। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। जो मैंने आपको तीला दिखाया था ये लगाया हुआ है हमने, और सभी जगह तीले का ही काम किया हुआ है। ऊपर की साइड जितनी भी सिलाई आएंगी हमारी साइनिंग वाली आएंगी तीले के साथ की। इस तरीके से हमने एक सिलाई लगानी है क्रॉस में। अब हमें दूसरी सिलाई इस साइड से लगानी है। दूसरी सिलाई दोस्तों हमने यहां पे कंप्लीट कर ली है, तो ऐसे हमारा क्रॉस बन जाएगा यहां पे। अब हमें हल्का हल्का सा यहां पे गैप लेना है और इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। जैसे हमने ये गैप लिया है सेम इसी तरीके से हम हर सिलाई को कंप्लीट करते जाते हैं, हल्का हल्का गैप लेते हुए। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है, सेंटर हमारा आउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने दोस्तों इस साइड की और इस साइड की सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है दो बॉक्स की। अब हमारे दो बॉक्स जो ये रह जाते हैं सेम इसी तरीके से ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं।
सभी सिलाई दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, तो हमारा बॉक्स ऐसे तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट में, जो हमारा ये सेंटर होगा, इसमें सिक्का रखना है ऐसे, और इसकी बाहर की साइड में हल्का हल्का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको हम काट लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा पूरा राउंड शेप बन जाता है। अब हम रोंग साइड में रखेंगे इस तरीके से सिक्के को, और यहाँ पे आप चाहे निशान लगा लें गोलाई में, आप चाहे ऐसे भी इसमें टाके लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं, अब हमें यहाँ पे इस तरीके से सुई निकालनी है हाथ की ऐसे, और यहाँ पे धागा पक्का कर लेते हैं जगह कहीं पे भी, और इस पॉइंट से तकरीबन एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे इस तरीके से। पूरी गोलाई में दोस्तों हम इस तरीके से यहाँ पे ये धागा निकाल लेते हैं। जिस पॉइंट से हमने शुरुआत की थी उसी पॉइंट पे आके हम रुक जाएंगे, और इस सुई को नीचे की साइड ऐसे निकाल लेंगे। अब हमने फिर से सेंटर पॉइंट में यहाँ पे रखना है सिक्का, और इस धागे को खींच लेते हैं ऐसे। ऐसे खींचने के बाद हमारी जो शेप आएगी कुछ ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। अब हमें सीधी साइड देखना है, अगर हमारा सेंटर पॉइंट सेट नहीं है तो हम इसको इधर उधर भी कर सकते हैं। अगर सेंटर पॉइंट ठीक है तो आप इसको अच्छे से टाइट कर लें, और यहाँ पे तकरीबन 6-7 टाँके आपने ऐसे लगाने हैं फिर, जिससे कि ये पूरा फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने 5-6 टाँके यहाँ पे लगा लिए हैं, तो ये हमारा फिक्स हो जाता है यहाँ पे, कोई खुलेगा नहीं। अब हमें इसको अटैच करना है, तो जो धागा है यहीं पे हम ऐसे रखेंगे सेंटर पॉइंट बनाते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे अटैच कर लेंगे इसको। अटैच करने का भी बड़ा आसान सा तरीका है, यहाँ पे इस तरीके से चारों साइड हल्के हल्के टाँके लगा लेते हैं, और ये फिक्स हो जाएगा, ये ना खुलेगा और ना ही इसमें कोई कमी आएगी। बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में बहुत प्यारा सा हमने यहाँ पे बटन भी आपको बना करके दिखाया है। अब हम नीचे की साइड यहाँ पे टाँका निकाल लेंगे, और नीचे की साइड पक्का करते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे। अब हमें इसके बाद यहाँ पे डब्बी लगानी है ये वाली, इस तरीके से सेंटर पॉइंट बनाते हुए। फिर हमें यहाँ पे बटन अटैच करना है, और फिर डब्बी लगानी है, और फिर लास्ट में हमें बटन अटैच करना है। तो इस तरीके का हमारा कुछ यहाँ पे डिजाइन बनेगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने बटन सेंटर पॉइंट में अटैच कर लिया है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। अब जैसे मैंने डब्बी बताई थी आपको, यहाँ पे इस तरीके से डब्बी रखते हैं और इस एंगल में रखेंगे जैसे आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे इसको भी अटैच करेंगे। यहाँ पे दोस्तों डबल सिलाई लगा लेते हैं हल्का गैप रखते हुए। एक सिलाई और लगाएंगे,
तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे डब्बी अपनी अटैच कर ली है। तो इसके बाद हमें सिंगल एक बटन और अटैच करना है और फिर डब्बी अटैच करनी है सेम इसी तरीके से। यहाँ पे सभी काम जो भी हम काम कर रहे हैं ये सारा तिल्ले का काम होगा ऊपर की साइड, जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा बटन आएगा, फिर डब्बी आएगी ऐसे, और फिर यहाँ पे लास्ट में सिंगल बटन आएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे डिजाइन तैयार आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों चीज मैं अटैच करके फिर आपको पूरी नेक लाइन यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों हमने तीनों बटन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, दो डब्बी कंप्लीट कर ली है, और बहुत ही प्यारा सामने यहाँ पे डिजाइन आपको बना करके दिखाया है। इस तरीके से आप सिंपल कोई भी कपड़ा हो, वर्क वाला कपड़ा हो या मैचिंग करते हुए आप इस तरीके का डिजाइन बना सकते हैं। ये मैंने आपको बोट नेक बना करके दिखाया है, बहुत ही आसान सा ये हमारी नेक लाइन है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।